यशवंत सिंह महाराज काबुल की लड़ाई में काम आ जाते हैं। उनकी पगड़ी के साथ उनकी रानी सती हो जाती है, पीछे एक बेटा छोड़ जाते हैं जिसका नाम पृथ्वी सिंह उर्फ चाप सिंह। मेरे मेहरबानों, बचपन में महाराज जसवंत सिंह अपने बेटे की शादी उदयपुर के राणा खानदान में कर देते हैं। राजा मरने के बाद शाहजहां बादशाह उनका लालन पालन करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं दरबार में। 18 साल का नौजवान हो जाता है, शास्त्र और शास्त्र विद्या में निपुण हो जाता है। इधर उदयपुर महाराणा की लड़की भी, राज सिंह महाराज की लड़की भी नौजवान हो जाती है, किरणमयी। रानी को बड़ा अफसोस होता है, चिंता होती है, जवान बेटी है। अपने राय ब्राह्मण को अपने पास बुलाती है, गौरे की चिट्ठी लिख करके उसे हाथ में देती है और आदेश देती है कि दरबार में चले जाओ और मेरे जमाई सिंह दे दो। मेरे मेहरबानों, यहां से प्रोग्राम आपके बीच में शुरू होता है। एक बार सभी हंगा लगा करके जय का नारा, भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि। से रानी साहिबा अपने नाई को दरबार में भेजती है और क्या होता सुनी सब। अरे नाई के, कौन बोल रहे है? आपने देखा नहीं? ओ राम राम जी जमान, आओ कैसा ही हो? ऐसा है, हमारी जो लड़की है हाँ? वो जवान हो गई है, शाणी हो चुकी है। शाणी हो चुकी है, शाणी हो चुकी है, तो उसको गौशाला में छोड़ दो। ठहरो, हमारे जो दामाद है पृथ्वी सिंह, वो आगरा रहते हैं दरबार में। ये चिट्ठी ले जाओ और उनको दे दो। चिट्ठी? जी हाँ रानी साहब, इस चिट्ठी की तो कूड भी कट रही है। ए, ऐसा बोलने मत। अच्छा, बोलो बोल। शुभ शुभ बोलो। आपके दामाद रहते हैं? जी हाँ। क्या नाम है? पृथ्वी सिंह, वे चाप सिंह भी कह देते हैं। उसे चाप सिंह भी कह देते हैं? जी हाँ। वैसे नाम तो उसका पृथ्वी सिंह है। जी हाँ। ठीक है, हम जाते हैं पर पहले अपनी नान से मिल के जाएंगे। ठीक है, मिलिए। अच्छा, बाद में मिलिए। चलो मैं हाँ, बाद में मिलूंगा। तो ठीक है, जाओ। और ध्यान हरित ला गया तेरा चरा सीना करी नायिका दरबार बीच में आला। हाँ भाई, ये जो मोहल्ला है हाँ, ये किन लोगों का मोहल्ला है? ये ब्राह्मणों का मोहल्ला है यहाँ। तोबा तोबा, बहुत बदबू आ रही है। अरे ओ बदतमीज, ब्राह्मणों के मोहल्ले में क्या बदबू आती है? अरे या तो चंदन की खुशबू आती है। अच्छा अच्छा, खुशबू आती है। खुशबू बोलो। नहीं, मैं खुशबू को ही बदबू बोल देता हूँ। ये जो मोहल्ला है ये किन लोगों का है? ये मोमडनों का मोहल्ला है। कितनी खुशबू आ रही है। किस चीज की? शाम का टाइम है, गर्म मसाले घुट रहे हैं। वाह। और ये जो मोहल्ला है, ये मोहल्ला किन्नरों का है? ये उस्तादों का मोहल्ला है। नहीं, उस्ताद तो बहुत खतरनाक होते हैं, जेब को काट लेते हैं। अरे तुम ये बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? कहाँ मुझे जाना? मुझे दरबार में जाना है। तो एक काम करो, यहाँ से सीधा जाओ और कोहनी वाले हाथ मुड़ जाओ। कोहनी तो दोनों में है, एक को कटवा दो। दर्द नहीं होगा? हमें क्या पता। अच्छा चलो, तू तेरी नाक कटवा लेने डोई वर्गी। क्यों? बस रुक जाओ। हाँ, हमने कहा जी नमस्कार। आइए, कौन है आप? मैं हूँ जी नायिका। नायिका? हाँ जी। कैसे आना हुआ? हम यहाँ किसी से मिलने के लिए आए, हमें काम है। किससे मिलने के लिए आए हो? यहाँ मेरा एक साला रहता है। आपका साला? हाँ जी। आपका साला रहता है दरबार में? जी। नाम जानते हो? हाँ, उसका नाम जानता हूँ। क्या नाम है? वैसे तो उसका नाम सरदार चाप सिंह है हाँ? पर उसको पृथ्वी सिंह भी कह देते हैं। पृथ्वी सिंह जी महाराज। आप उसकी जीजाजी हूँ? जी जी। छोटे या बड़े? नहीं, मैं तो बीच का हूँ।
जीजा जी हो। हाँ जी। और पृथ्वी सिंह आपके साले लगते हैं। जी जी जी। जानते हो आप? नहीं, मेरी शर्म। मैं ही हूँ सरदार चाप सिंह। ओह आप ही हो। सुनाओ सुनाओ रिश्तेदार। ओ बे शर्म, ये क्या है? ये सन 84 में इंदिरा गांधी ने चलाई थी, बीच में लटकती रह गई। कैसे आना हुआ? लो लो लो। अरे तू तो मेरी सासरी का नाई है। या है जी थारी सुनावनी। ए बेशरम, सुनावनी? हाँ जी। सुनावनी का मतलब क्या होता है भाई? देखो सुनाने का नाम सुनावनी होता है। अच्छा। मैं आपको कुछ बताऊंगा नहीं। हाँ। कुछ सुनाऊंगा नहीं। हाँ। तो आपको क्या पता मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, क्या करने के लिए? ये तो मैंने पढ़ लिया कि तू मेरे सासरे का नाई है। देख ले ला गया ना तेरा वो क्या गया? मतलब चावल चढ़वाओ और घी मंगवाओ, मीठा मंगवाओ और मने जिमाओ। अच्छा नाई के। हाँ। जाओ ढाबे में चले जाओ। अरे घी नहीं। अरे ढाबे में चले जाओ। मैं ढाबे में नहीं जाता हूँ। क्या? क्योंकि ढाबा मेरे पसंद नहीं है। लंगर में चले जाओ। लंगर आली के हाथ का बिल्कुल भी नहीं खाऊं। होटल में चले जाओ। होटल में नहीं जाएंगे। तो कहाँ जाएगा? मेहमान खाने में। राम राम राम, मेहमान खाने में तो बिल्कुल भी नहीं जाओ। जहाँ मेहमान खाए जाते हो वहाँ जाके क्या करूंगा? अरे मेहमान खाना बोला है मैंने, तो फिर कहाँ जाएगा? मैं हमेशा घाघरी वाले की हाथ की रोटी खाता हूँ। तो इधर आओ, इस वाले में आओ। अरे आ जा, इसके हाथ की रोटी नहीं खाऊंगा, क्षमा करना महाराज। तो इधर आ जाओ, इसके HIV है। अरे आ जा, अरे आ जा, अरे इसके हाथ की तो खा लेगा। हाँ, इसके तो हाथ की मैं चाट भी लूंगा। लोगो खुशी के पकल छा गए, ले पत्री का हाथ में तो बादशाह के धोरे आ गए। मैंने कहा बादशाह सलामत को सलाम। वालेकुम सलाम। आओ पृथ्वी सिंह, आज इतने साल कई मुद्दत के बाद तेरे चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। मैं इस बात को समझ नहीं पाया, आज तक आपका चेहरा जो इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा। हाँ? आज से पहले मैंने कभी खुशी देखी ही नहीं थी। तो ऐसे क्या खुशी? मेरे माँ बाप खत्म हो गए थे। हाँ? उसके बाद आपने मुझे बाल पनास करके बड़ा किया। हाँ? पढ़ लिख करके नौजवान हो गए। आज सबसे पहले जिंदगी में खुशी मिली तो बहुत खुशी हुई भाई। ऐसी क्या खुशी हुई, कम से कम मेरे साथ शेयर करो आप। इसका जी भाई हो गया। बेशरम। क्यों जी? बढ़ जा। नहीं, भाई होने की खुशी छोटी होती है। अरे जब माँ बाप जीवा जीवा भाई हो भाई। ये मुझे नहीं पता जी, आजकल तो इंजेक्शन से भी हो जाते हैं। अरे जी भी माँ तो बोतलों में भी हो जाते हैं। और तार खोल के ड्राम। बैठ जा। शाबाश पृथ्वी सिंह, ऐसी क्या खुशी है मैं खोल करके बताओ। सुनो मेरी बात, ताकि मुझे पता लगे ये खुशी कितनी बड़ी है। क्या बात है उस्ताद? ओ आहा, ओ आ, जो हो चौहान साहब। अरे खुश खबरी का जय हो गुरुजी। और पत्र पड़े, हे रे 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 रे, खुशखबरी जाके। वो बात है।
बजा दो। क्या बात है सोनू मास्टर जी, सलामत। मीठा मीठा एक गृहस्थ सामग्री सबसे शुद्ध क्या होता है? घृत किस चीज का होता है? किस चीज का होता है? गौ माता का। एक अधूरा है, कैसे है? घृत सामग्री बिना हवन और शुद्ध घृत नहीं गौ बिना और जीव देह बिन जीव दंड ना भोगे यो काया सुखी बनता कौन? बनता नहीं होता ये, तकता कौन? एक तकता कौन है इंद्राणी पर वो कोटक राजा बिना और वो नारद बरगे फिरे भटकते ए रवि से मोहन सलामत। हाँ, हमारे सनातन धर्म में कई प्रकार से शादियां होती हैं। कई प्रकार की शादियां होती हैं? कितने प्रकार की? एक होती है गंधर्व विवाह। गंधर्व? गंधर्व का मतलब? गंधर्वों को देवताओं को साक्षी मान करके उसे पति मान लिया जाता है। एक जाड़ फेरे हो, ब्राह्मण भी ना हो, ब्राह्मण भी ना हो, देवता ने भी याद मेरे हथिया को नहीं, देवता याद देखो नहीं, याद को ना गर्ती माता ने चुस्कार किया, कोई पेड़ खड़ा उसने क्यों करके मेरा साक्षी है तू, मैं इसको पत्नी बनाता हूँ। ये हो झाड़ फेरे। एक आजकल नया नाम हो गया उसका, क्या? क्या? लव मैरिज। लव मैरिज ये पहले भी थी, प्यार की शादी। प्यार की शादी सबसे पहले मेरे देश में लव मैरिज किसने किया? किसने प्यार की शादी किसने करी बताऊ मैं? आज की बात पुरानी है तो। अरे ये तो नई, ये तो नए, तो नाम कर दिए नहीं, ये कद्या तो पुरानी चल रही है। अच्छा, नाम नया कर दिया। अरे पंडित जी हरिराम कहते थे कलयुग को क्यों बुरा बतावे, चोर और जार सदा के सदा के से। हाँ, अनलाभ सृष्टि के संग में बैर और प्यार सदा के, सदा के से। कोई चीज नई को ना पुरानी है, पर नाम नाम बदल दिए। सबसे पहली तो सबसे पहला लव मैरिज किसका है बताऊ? आज के बाद सुनिए मेरी बात। क्या
ब्राह्मणों और क्षत्रियों का आपस में संबंध भी होता था। हाँ, ऋषि उद्यालक सबसे पहला लव मैरिज बता रहा हूँ जी, किसका हुआ? किसका हुआ? ऋषि उद्यालक और चंद्रवती। ये कौन थे? कौन थे? चंद्रवती कौन थी भाई? ये राजा रघु की पुत्री, दशरथ महाराज की पड़बुआ। अच्छा 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 अच्छा। उद्यालक के साथ में लव मैरिज करा था। उद्यालक और चंद्रवती का सारे जग में शोर हुआ। सीता के कारण रावण जा पंचवटी पर शोर हुआ। नागहोर तपस्वी विश्वामित्र जाऊर मैन का पमहोर हुआ। धुंद ऋषि योजन गंधा से एर कर के इसके कमजोर हुआ। वो सोई हुई किस्मत जागी बाद शाम ने छुट्टी दे ऋषि कौन था और इसका नाम ध्वंद ऋषि ही क्यों पड़ा? क्यों पड़ा? आई छोरी मृजाना अकल पड़ा है। यो पंडित जी मृजाना थे। हाँ, बहुत। ये ब्राह्मणों का कर्म होता है। उल्टा काम करेगा वो आदमी दंड भुगतेगा। या भी तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण आके चेले हुए आकर दे ठाकर यो मेरा चेला ब्राह्मण बनेगा। उल्टा काम हुआ ना तो से देगा खरा से देगा। ध्वंद ऋषि इनका नाम पाराश्वर महाराज था और पाराशर नाम से ही ऋषि विख्यात हुई। पाराशर आज भी ब्राह्मणों का गोत्र भी है। पाराशर गोत्र है। ब्रह्म ऋषि बने। उसके बाद इनको श्राप था मृगणियों का। 100 मृगणी एक उनके मृग। उस मृग का शिकार करने के लिए तीर तान दिया। मृगणी हाथ जोड़ करके खड़ी होगी, महाराज हमारा एक ही पति है, इसको मत मारो। 100 के बीच में एक, 100 के बीच में एक। राजा ने तीरंदाजी से तीर को संधान किया, छोड़ दिया, मृग की छाती में लड़ा, खट मर गया। मृग ने उन्हें श्राप दिया, जा राजा तू अपनी पुत्री से भोग करेगा। वाह 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 वाह, जय हो। कितना बड़ा श्राप दे दिया, जा अपनी बेटी से भोग। बड़ा श्राप दे दिया। और वहीं तीरों को गिर करके वन में निकल गए, तपस्या करने लगे। हजारों वर्ष तपस्या करते हो जाते हैं। एक समय रानी सावन के महीने में ऋतुदान चाहती है। हाँ। उनसे संभोग चाहती है, पुत्र चाहती है। और उन्होंने अपने पालतू सुए को भेजा कि जाओ महाराज से कहो जहां भी तपोवन में तपस्या कर रहे हैं मैं पुत्र चाहती हूँ। और इसी राज ने एक पत्ते की भुल्ली बना करके अपना वीर्य उसमें डाल दिया और सुआ लेकर के उस वीर्य की भुल्ली को चल दिया। श्राप पूरा होने को था। दरिया पर से जब गुजरा वो सुआ एक बाज ने झपट्टा मारा और वो भुरली नीचे गिर गई। उसको मच्छी ने खा लिया और उससे एक पुत्री पैदा हुई जिसका नाम मच्छोदरी रखा गया। मच्छोदरी रखा गया, क्या बात। मच्छो ने निकाला, जय हो, मछली के पीठ को चीरा, उसमें लड़की निकली, उसका नाम मच्छोदरी। इसलिए नाम मच्छोदरी। मच्छोदरी 12 वर्ष की हो गई। इधर वो श्राप पूरा होने था। ऋषि पाराश्वर महाराज
हरिद्वार जा रहे थे, दरिया पार करना था, लेकिन मछुए खाना खा रहे थे, आकर के कहा मुझे पार उतारो कि अभी खाना खा लेते हैं महाराज। लड़की ने कहा महाराज इनको मैं उतार देती हूँ, 12 वर्ष की कन्या और राजा पारासुर महाराज को पार उतारने के लिए दरिया में अपनी नौका बढ़ाती है, अधम में जाती है नौका। ऋषिराज को श्राप पूरा होना था, ऋषिराज की इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। उस कन्या से 12 साल किसे कहा मैं तुमसे ऋतु क्रिया चाहता हूँ, कहने लगी ही महाराज मैं संपूर्ण नहीं हूँ, मेरे अंग संपूर्ण नहीं है, अभी तो मैं 12 वर्ष की हूँ। और ऋषि ने अपने तपोबल से उठा करके जल लड़की को मारा, एकदम यौवन हो गई, बालिक बना दी। मच्छोदरी से उसका नाम निकला योजन गंधा। अच्छा, योजन गंधा। मछोदरी से उस लड़की का नाम क्या निकला? योजनगंधा। क्या बात है गुरु? और उसके बाद उसके शरीर से गंध दूर हो गई। योजनगंधा माने एक योजन में 4.25 कोसेगा होती है, कई योजन तक जिसके शरीर की खुशबू हो जाए। ये भी सही गुरु जी, ऐसे प्रमाण हर कोई नहीं दे सकता, राग नहीं तो सभी गाते योजनगंधा। हाँ जी। फिर कहा महाराज सुनिए, ये जल देख रहा है, जल के जलचर देख रहे हैं। और महाराज ने जल उठाया, जल पे मार दिया, जल पे काई हो गई, शिवाड़ काई, जल पे काई होगा। फिर बोली इब्बी नहीं, बोले इब क्यों? क्योंकि आकाश के वायुमंडल में घूम रहे पक्षी पशु ये देख रहे हैं, पक्षीगण देख रहे हैं, देवता गंधर्व ये देख रहे हैं। और ऋषिराज ने क्या किया? फिर क्या था के जल आकाश में मारा और धुंध हो गई, धुंध कोहरा धुंध। जिस दिन से पारासुर ऋषि का नाम धुंध ऋषि कहलाया। वाह जी वाह, और क्या पूछेगा बेटा। बस गुरु जी जय हो। और ये योजनगंधा, ये मछोदरी थी, ये योजनगंधा बनी और यही फिर सत्यवती बनी, जिसकी कोख से चित्रा गंधर्व विचित्र वीरिय शांतनु महाराज की पत्नी बनी। शनि आगे की प्रमाण। क्या बात है ओ उस्ताद। हमारे देश में इंसान की तो ताकत क्या, बड़े बड़े साधु संतों ने भी गिरस्त भोगा है। अच्छा, और स्वयं भगवान ने भी गिरस्त भोगा है। बल्कि भगवान ने भी स्त्री को समझा है, उसके नहीं रहे, अपमान नहीं किया। हमारे ऋषि मुनियों ने भी पत्नी रखी है, पत्नी रखी, गिरस्त भोगा है। क्या बता दिया, मन व्यसनु के घर सुनी लक्ष्मी और शिव शंकर करे पार्वती, ब्रह्मा कहे परमाणी उमा और वशिष्ठ के घरी अरुंधति, चमन ऋषि कहे रे गर्या शकुन्या और काम देव गरी और दुरु दर गाते हैं अरे नलते आए प्यार कर गए।
अच्छा सलामत। हाँ कौन किसके बगैर सुना है? यह तो चार कली आपने सुनाई। हाँ, तीन कली के स्त्री के बिना संसार नहीं चलता। हाँ, हमारे देवता ने स्त्री खुशी मानी। जी हाँ, लेकिन एक बात होता। हाँ, एक के बिना एक क्या अधूरा है? एक के बगैर एक क्या, एक के बगैर क्या अधूरा? सारे नंबर चार में क्या कह दिया गुरुजी ने? जय हो। यही बात है। कटा बिना भगत बिना परमेश्वर सुना यो सुना जीव शरीर बिना और गट्टा बिना जड़ी सुनी और बदल सुनने तकदीर बिना तत्वीर नहीं यो तत्वीर नहीं तकदीर बिना। गुरु चंद्र लाल कहे ग्रस्त आश्रम कर सुना सलामत। हाँ लेकिन बहू भी की मैं डंकी हो न्यू ना खाना है रोक लिया भाई। ये तो नसीब की बात है। इसी हो अगर मैं काम चाहे मत करो कोई बाहर का आवन है तो न्यू का भाई बोड़िया बोड़िया इसे भाई कम से कम इसी तो होए हो। ओए होए ये सब घर बारी ने ऐसी बहु मिल जा रजनु कंगरे भक्त बिना परमेश्वर सुना सुना जीव शरीर बिना घटा बिना बिजली सुनी बादल सुने नीर बिना तकदीर बिना तत्वीर नहीं तत्वीर नहीं तकदीर बिना। गुरु चंद्र लाल कहे ग्रस्त आश्रम घर सुना हो तीर बिना घर बारी ने बहु मिले जनु कंगले ने दौलत पागी बाद से हमने छुट्टी दे मेरी घोड़े की चिट्ठी आ गई बादशाह सलामत। हाँ मुझे छुट्टी चाहिए। मैं तेरी सारी बात सुन के एक बात ध्यान भाई है कि चंद्र लाल यो ग्रस्त आश्रम घर सुना हो वीर बिना स्त्री के बिना कुछ नहीं। हमारी महाशी जी ओम प्रकाश जी हम बिरला निवासी ये भी हमारी प्रणाली से हैं। हमारी प्रणाली से मेरे भाई इस क्षेत्र में हमारे कई गांव हैं हमारे गुरुजी के प्रणाली के हमारी प्रणाली के 200 रुपए प्रदान करते हैं रामफल बेलना से बिरला से वो भी मेरे भाई 100 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। इनके गाँव के इनके गुरुजी रामेश्वर जी बहुत अच्छे गायकार कलाकार थे बिरला के हमारी प्रणाली से हुए और 100 रुपए हमारे धर्मवीर जी ड्रामा इंस्पेक्टर रिटायर्ड लोक संघ विभाग से हमारे नागर साहब आशीर्वाद देते ही रहते आशीर्वाद देते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। और 100 रुपए जगदीश जी ड्यूटी वाला से वो भी अपनी तरफ से रामपुरा से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बादशाह सलामत हाँ मुझे छुट्टी चाहिए। आप छुट्टी कितने रोज की भाई या बता। बादशाह सलामत आगरा से अपने कोटा बूंदी शहर जाऊंगा तकरीबन 800 मील दूर है। मील है किलोमीटर काल चल रही है पहले। हाँ। मील हुआ करती पहले योजन हुआ करती फिर कोस आगी फिर मील हुई फिर किलोमीटर आगी और वहां से उदयपुर। हाँ उदयपुर से फिर वापस कोटा बूंदी और कोटा बूंदी से फिर वापस आगरा कम से कम 2 महीने। हाँ 2 महीने क्या बातें करते हो। आपके बगैर इस दरबार में एक मिनट काम नहीं चल सकता। तो गोड़ा करके ले आऊंगा की मैं 10-5 दिन उसके दौरे रुकूंगा। अभी तो भाई इतनी लंबी छुट्टी नहीं दे सकते। क्यों क्या हमारे पास में नौजवानों की पहले कमी है खासकर सिपे सालारों की कमी है। अगर इस बात को हाँ कर देगा आपका बराबर का स्पेशल आर है शेर खान वो भी 5,000 जवानों पर स्पेशल आर है शेर खान। हाँ बोलिए भाई साहब पृथ्वी हाजिर हो हाजिर है हम छुट्टी जाना चाहते हैं। बादशाह सलामत कबीर जहां को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बादशाह सलामत। हाँ ये भाई साहब क्या कहते हैं ये छुट्टी जाना चाहते हैं कितने रोज की। ये कहते 2 महीने की कम से कम छुट्टी हो
दो महीने की। हाँ जी बादशाह सलामत आपको पता नहीं है क्या, काबुल कंधार के साथ में हाँ? हमारी लड़ाई छिड़ी हुई है, चल रही है और हमें विशेष योद्धाओं की जरूरत है। बिल्कुल, अगर ये छुट्टी चले जाएंगे हाँ? तो हम युद्ध को हार सकते हैं। ये ज्यादा छुट्टी है, इसकी कम छुट्टी करो। किधर रोज की? इसकी छुट्टी कर दो। मुझे मालूम नहीं, इसकी जगह तेरे से काम लूंगा मैं। कम से कम भी नहीं तो पांच सात रोज की कर दो। पांच रोज का क्या मतलब? अजी पांच रोज का क्या मतलब, हम तो जब भी कभी जाते हैं तीन रोज के लिए जाते हैं। बस बस सुनिए, जो भी करना होता हो तीन रोज में कर देता हूँ। सुनिए श्रीमान मातू जी सर्व श्री जले सिंह हीरो की ढाणी से 1100 रुपए अपनी गौ माता के नाम से और 100 रुपए पार्टी के लिए प्रदान करते हैं श्रीमान मातू सिंह जी, बहुत धन्यवाद। कही बात सर सलामत। शेर खान 15 रोज की छुट्टी हम मंजूर करते हैं इनकी। हमें भी मंजूर है बादशाह सलामत। अगर 15 रोज के अलावा 16वां रोज हो गया तो रोजाना की रोजाना 1,00,000 रुपया जुर्माना होगा। मुझे मंजूर है महाराज। मंजूर है शाबाश। चाहिए लोगों कने होशियार और गड़बूंदी में पहुंच गया हो घोड़े पे अश्वसवार। 18 साल हो गई थी गड़बूंदी को छोड़े हुए, आज सब कुछ बदल चुका था। एक नाई को जानता है, उसके घर के द्वार पे खड़ा होकर के आवाज मारता है, अरे नाई जी कौन बोले हो? अरे बार ना भाई, पुणे में कोने छोड़े में खड़े हूँ, मैं बाहर नहीं आऊ। अरे बाहर ना आ जा भाई, बाहर कौन है हमारे? यो बोले हमारा घर नाई का घर कौन है? तो यो घर कौन है तो कौन बोला है भीतर से? यो बोले हमारा घर घर भी कदे बोलिया है? चौमासे का चिनाओड़ है ओरा का टपकर मारा भट्टा भट्ट बोल रहे है। मैं इसने फोड़ दू सड़े ने भीतर मता जी है। की बात है? भीतर जापन कुत्ता प्यारा है पाड़ खाओगा। एक बार बाहर आओ कक्कू। भाई कोई खरनाई चीज मान भाई नाई जरूर था पर नेग में चाचा लागे था। ओ चाचा ओ काका कक्कू रात्री मान जे हो जे हो जे हो देखना चाहिए चाचा। अरे अरे भतीजे मैं तेरा पृथ्वी सिंह। चाचा सुनाओ कैसा आयो? तू ज्यादा बात मत करे, तैयार हो जा। तैयार? हाँ कड़े भाई मेरा गुणा करने खातिर। गुणा? हाँ फिर तो जेली लानी पड़ेगी। अरे क्यों की जेली, के चने कुटेगा भाई गुणा करने खातिर? अरे वो गुणा नहीं और मुकलाबा। अच्छा मुंह काला हो गया चाचा, केस है तू? अरे खंदावा खंदावा है भाई, खंदावा भाई। ओके है खंदावा चाचा, तेरी बोड़िया लेनी है। अरे नू कहना काका, अगर चाला करके लाना है ले सुनिए तानवीरों के नाम सभी ढाणी, नवा की सभी ढाणी, सभी ढाणियों की तरफ से, ये सभी ढाणियों की तरफ से गौ माता के नाम से, गौ माता के नाम से 100 मन तूड़ा 100 मन तूड़ा 20 क्विंटल गेहूं 20 क्विंटल गेहूं का
अच्छा समझ गया ना कितना है। हाँ भाई समझ गया बोलिया। निर्दोषी गए हुए तूड़े तूड़ा दो खड़ दो बिनोले दो सीमेंट दो ईंट दो चद्दर दो सरिया दो गाटर दो कुछ भी यानी कि गोमाता सब कुछ काम आएगा। ट्रैक्टर दो हैरो दो ट्रॉली दो अड़े तो किमे भी दे लो। चाचा समझ गया मैंने जाना है। समझ गया यानी जल्दी तैयार हो गया जी भाई। हाँ तैयार तो नहीं होया जानू के बात वात्री चाची है। हाँ पहले उसकी लूंगा के सलाह 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 लूंगा। हाँ और फिर चाल लूंगा भाई जल्दी आ जा चाचा। भाई उसकी सलाह के बगैर तो मैं मुतन भी नहीं जाता। मैं भी भीतर आ जा। भीतर ना आइए भाई 20 मिनट तू अड़े बैठ जा। ये बैठिए। अरे सुन भाई बेटे एक रिक्वेस्ट है। हाँ। रोला ना करिए जो उसने आवाज सुनगी। हाँ। तो काम बिगड़ जाएगा ना चाचा कथी कौन करियो बैठ गया। हाँ शाबाश सुने के आप रुतपुर वाली सुने हैं सुने सके आप एरी कि जा रहा से तू इपे तो तेरे धोरे हूं जान में टाइम लगेगा न कि जा रहा यू नए कपड़े पहन के। वो आ रहा है। कौन है? वो महाराज जजमान पृथ्वी सिंह। फिर कि जागा तू? वो अपनी बोड़िया लेने जागा। अच्छा हमने खंदावा करके लाना है तो नाच गए तेरे बिना तो मेरा जी भी नहीं लगेगा। तेरे धोरे दो बंदर छोड़ूंगा ना। अच्छा तेरे जी से थोड़ी है ये। नहीं मैं रीछ हूँ ये बंद रहे। याद आएगी मैंने तेरे पेट की। नहीं ये सच्चाई है ये पेट मैंने फुलाया है। हाँ। और जो मेरी सेवा में रहेगी तो 3 महीने में तने भी फुला दूंगा। फिर कद आलेगा? गया उड़ के कोई आया है आज ताई। न्यू मत बोल तेरे जाते ही मैं इसके नाम की 2 चूड़ी पहन लूंगी। और किस जागा? जेल में। किस दौरे? राम रहीम दौरे। अच्छा तो करिए जी नहीं लागे। हाँ तेरे बिना जी नहीं लागे। जो ये जो हमारे ये पहले वाली हमारे जो भाई हैं बस नरेश कुमार जी हमारे गुरुजी के शिष्य भी हैं और हमसे सीनियर भी हैं। और ये मेरी पहले वाली इसको मैंने 3 महीने रख के तलाक दे दिया था। यही है कि मेरी शौक। हाँ यही है जो सारे जेवर लेके भाज गई थी। अच्छा रांड लग भी सी है सकल से चोरनी सी। कोई बात ये चोरनी नहीं है ये मोरनी है। चिड़िया है, ये चिड़िया इसके, है। इसके पंख कित है? इसके पंख सुकड़ के अंदर बढ़ रहे हैं। अच्छा एक फिल्म आई थी। कौन सी? चंद्रावल। अच्छा हाँ ओ जिज्जा तू का गुरुजी मने भी कि मैं गाना दो। हाँ सुनिए सुन जो कि मैं और गावेगी तो फिर तलाक दे दूंगा। हाँ। क्या ये फरमाइश है राजेश तूफान की? अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा यही गानी है। चलो नहीं तो मैं भी गा लेती। क्या मुझे गाना नहीं आता? आप तो आगे हो खास आप गुलाम अली हो आप तो। और चाले बड़ा और यानी के बारतार क्यों करे रहूंगी अकेली मैं चलिया पे दरा जा।
कच्ची कुदीना और खेली में रही बे सत्य
गुर की हो चली में बिठा दिया ये चंदर चंदे का जो श्री, श्री, कोई ना फिर दे दिए। हाँ देखो श्री भाई सुनो मेरी बात है इशू भाई बताइए सब चिड़िया बैठ जा बाबा भाई साहब आपने जानू तो आज कुने में पर यार सकल गया रस रुपये की तो जो ना दे उनके पाड़ लो कान ये भी कवो के नाम अजी सुनो मेरी बात है तम जा तो रहे हो पर मेरे खातिर इसी चीज लेके आइयो मैं जाते रहा हूँ हाँ। तेरी खातिर ऐसी चीज लाऊं ऐसी चीज लाना कैसी जो देखी सबने हो देखी सबने खाई किसे ने ना खाई किसे ने ना हो रंग बिल्कुल लाल रंग बिल्कुल लाल लाल गुद्देदार गुद्देदार गुठली भी ना निकले गुठली भी नहीं निकले और मैं खाऊं तो इस बाबा का भी जी चाले इसी चीज हाँ तने बिना पत्ता की मूली ला दू के करूंगी उसका पर वो तो धोली होती है हाँ, लाल चाहिए एक काम करो के मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी चीज लाऊंगा क्या लाओगे मैं लाऊंगा तेरे लिए कुतिया की कांच हट नाच गए के करूंगी उसका देखी सबने है किसी ने खाई हो तो बताओ फायदा भी है उसका कुछ लाल नहीं हो तो बताओ उसके अंदर बहुत फायदा है क्या अगर किसी के अंदर बच्चे के अंदर ओपरी आती है झपटा हो जाए तो कुत्ती की कांच को पिलास के जरिए से निकालो और उसको पत्थर पे घिसो मैंने देख रहे एक काम करो न्यू करे हाँ जा फिर जाना है तो चला जा मैं जाऊं हूँ अरे तू किधर भीतर बाहर मत जाइए नाच गए भीतर बाहर तो जाना पड़ेगा ओ चाचा हाँ बेटे अरे भीतर आ गया रे लखो मैंने तू भीतर हो ठीक है ना आ भाई आ गया हाँ चल भाई चल चलो आ जा बस लोग दे लो मिल के चल दिए हो घोड़े सुबह उदयपुर के बाग में पहुंच गए जड़े सब सखी खड़ी तैयार अरे नाई के हाँ मैं यहाँ आराम करता हूँ तू अंदर जा करके कोई ना कोई मनुष्य मिलेगी कोई औरत मिलेगी कोई मनुष्य मिलेगा उनसे कहो कि बहादुर पृथ्वी सिंह आ चुके हैं खाना खाएंगे नहीं और पानी पिएंगे नहीं जल्दी से जल्दी डोला तैयार कर दो ठीक है हम घोड़े पर चढ़ करके जाते हैं ठीक है बस बेटे चली बहन पहले तेरे पर चढ़ूंगा चढ़कर पढ़ूंगा हाथ पैर तुड़वाऊंगा धीरे धीरे सवार बनूंगा चली बाग में चलती है बाग की सैर करके आती चली बेबे चली ये बेबे घने दिन होगा बाग ने देखी जी हाँ बाग को संभाले बहुत दिन हो गए जी हाँ पता नहीं बेबे राम राम है ए राम 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 हेलो बेबे बेबे आज अपने बाग में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है ऐसा लग रहा है कि अपने बाग का तो नाश होया पड़ा है बेबे ए कभी संभालो तो तमात को नहीं आगे ए बेबे मैं तो रोज आया करूं पर आज तो किमी और ही ढंग दिख रहे देखो राने देख तू यो देख अपना कद्दू के तरह पड़ा है हाय कद्दू की पुनी दिया कई दिन हो गए दूंगी बेबे हाय बेबे ए बेबे लोग ए लोग ने छोड़ू राने देख ए अपने चीकू के पेड़ में दो चीकू लाग के देख वो बैठे लोग पड़ गया अपनी ए सुने तेथे रांड ए बेबे लोग ए लोग ए लोग ए लोग ए लोग ए लोग वारे बेसहूरियो तो किस मालिक ने लुगाई बना दी तेरा तो ट्रैक्टर बना देता तो ठीक था क्यों और जोतने का तो काम आवे की बात है कौन है मेरे साले कितना मारना भी नहीं आवे क्यों के गलती कर दी के कसर रही मारन में बता दोबारा मारू सुनो किसी को मारो हाँ तो कम से कम स्वाद लेके तो मारो
तू बेस्वाद मंडरी दे दड़ा दड़ दे दड़ा दड़ स्वाद नहीं आया के नहीं मेरे तो फिर दोबारा ले ले बावली हो रही है क्यों ए सुनो ऐसा मैंने क्या जुलम कर दिया जो तुम मार रही हो तेरी गलती यो है कि ये जो बाग है ये जनाना है और इसमें मर्द नहीं आया करते तू बढ़ क्यों कर गया इसमें खरा जनाना बाग में मैंने बीट कर दी बीटेगा पहले मेरी सुनो आप कौन हो कहां से हो क्या नाम है क्या गाँव है क्या पता है तुम्हें पता होना चाहिए कि ये जनाना बाग है यहाँ मर्द नहीं आया करते हैं क्या पहचान है यहाँ साइन बोर्ड लिखा हुआ है इस पे लिखा हुआ है कि मर्दों का आना सख्त मना है रांडो थारी गलती ए रांड किसने कहे है सुनिए किसने कहा ऐसा रांड तू है किसने कहा ऐसा रांड मार दूंगा किसने कहा रांड मैं कह रहा हूँ जी जी सुनो थम तो मारो हो इसका कीमत फड़कना पड़े इसने मार दिया ना तो मेरी सुन में सही बताओ दोनों बटा हो जाओगी इसके तो मारने की भी जरूरत नहीं है सही बताओ तुम एक काम करो चारू लाइन में इकट्ठी हो लो इकट्ठी हम एक लाठी इसी मार दूंगा भगवान की कसम मैंने नहीं मारा आपको मीठा मुतोगी लोग तमाखू कूटेंगे अरे पहले ये बच्चा मैं कह रही हूँ बताइए कौन हो आप मैं जब ही तो कह रहा हूँ थारी गलती के गलती भाई कोई अनपढ़ आदमी हो अच्छा तो थारे सैन बोट ने चाट ले इसमें टक्कर मार के मरे जब ही तो कह रहा हूँ थारी गलती के इस पे कोई घाघरी टांग देती तेरा तो पिटने का सच्चाई पिटेगा पिट लिया के पिटेगा नहीं अधम में रह रहा हूँ पूर्ति करवाएगा तू तो पिटन का इसे भाई मन सच्ची बता कौन से कहाँ से है मैं आया हूँ अपने घर से हाँ कौन है भी कुछ तो होगा नाम होगा कुछ कहाँ से आए हो पाया पाया आया हूँ पाया पाया हाँ और कहाँ जाओगे आप अच्छा मेरा एड्रेस लेना चाहती हूँ नाम तो, क्या आपका तो एक काम कीजिए नाम हाँ नाम तो मेरे को लोग जीजा जी कह देते हैं ए बकवास करते हैं अभी लगा उसके अरे जो बात है वो बताओ माँ क्या कहती है सच बोलो नहीं मेरी माँ तो मेरे को बेटा कहती है मेरे घर वाली को छोड़ कर मेरे घर वालों को छोड़ करके मेरे को कोई भी जीजा कहूँ मैं किसी का बुराई नहीं मानता पिटाई होती है तुम्हारी आपका क्या नाम है मेरा नाम हरी मिर्च ये आगे है चलो मैं हूँ सरदार पृथ्वी सिंह का नाई ओहो, आप उनके चचा लगते हो बिल्कुल मैं उनका सिंधी तने तो मेरा मुंह ही देख लिया ओहो शमती तने तो मेरा मुंह भी देख लिया देख लो मुंह देख लिया इस सोरठ का क्या खूटे बरगा मुंह है तेरा बकवास करता है चौधरण जी हाँ हमारे मध्य हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश की मशहूर कलाकार मैडम नीलम चौधरी जी हमारे मध्य पहुंची हैं और हमारे बहुत ही अच्छे कलाकार नरेंद्र मासे जी हमारे मध्य पहुंचे उनका यहाँ पहुंचने पर आप सभी की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ भाई साहब सरपंच साहब 50 रुपये और देती 100 रुपये और देती बहुत धन्यवाद नंबर 3 की बात शाबाश करण का
बाजो। तेरे नानका रतुकारा एक मिनट चोयना रखली रोजे मत्ता नगड़ी तू बैठ के नठली मत कह तेरा बाग है जनाना ये करात जांग टटके तेरी बात सुन ले गोरी चला देखिए पलटके ये करात है जनाना ये करात जांग टटके स्वास हमारे एक बार जोरदार तालियां इस रात के लिए एनके स्टूडियो साहब नरेश जी शर्मा हमारे साउंड ऑपरेटर मेरे बहुत ही लाडले हनुमान भाई दोनों 500-500 1100 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं और क्या बताया चौथी कली में तुंगल ऋषि को जो ज्ञान बांटता है बांटता हो वो शिष्य ही है पूरा जो सेवा को नाटता है नाटता हो अरे नाटता है नाटता है जो छाप काटता है हाँ वो आप जागा कटके अच्छा तेरा बाघ से जनाना एक रात जंग डटके बाघ तो था जनाना हाँ। पर मेरा मन भी नहीं करता तने भेजण का कौन से तू बता तो दे के नाम है नाम के है लिपटे गई अब बता देना के नाम है तेरा इसका नाम है सारा बापू के नाम है के नाम है तेरा मेरा नाम हाँ अच्छा बताऊंगा ना ये भी बता दे एक बार बाबूदान पहले नीलम जी ने बुला लो और हाँ, नरेंद्र जी हमारे मासे जी नरेंद्र जी और उनका साथ देंगी मैडम नीलम
भाई तेरे बिना कोई बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे की ऐसी बुरी बीमारी है या तो हो ना हो जाए तो फिर या तो खुदा मिल जाए या यार मिल जाए एक बराबर होते हैं दिखने को तो रोज दिखे और ना दिखे तो बुरा हाल हो जाता है तो कैसे क्या बताने समझे अकलमंद पूरी सियानी खुशी अकलमंद पूरी सियानी तू कह दो तू कह देते नाड़ काट लूं करवा दू पुण बागानी तू बैठ तकत पे राज करे जा तू राजा मैं पटरा ओ खुण के तके डरना हो से खुण के तके डरना हो सब जड़ में हार तो तेरे के तेरे बिना कोई कोई बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे की ओ तेरे बिना कोई बुझनिया ना दुनिया में मन मेरे की Ah!
करमा कौन भरत री मैं तो हुक्म दवा दू फांसी का ए कौन बिक्रमा कौन भरत री हुक्म दवा दू फांसी का और मेरे दम पे राज करे जा पण पालम सोड़ा रासी का कई कई दिन में दर्शन दे ईसा तू चांद बनया पुण्यवासी का और कई कई दिन में दर्शन दे चांद बनया पुण्यवासी का ओ मेरे दम पे राज करे जा राज पाठ की चाबी ले रे ओ राज पाठ की चाबी ले मैं बहु बनु घर तेरे बिना बुझने आना दुनिया में मन मेरे तुझे भूलना तो चाह लेकिन भुला न पाए जितना आशिक होवे ना मारे से मरे दे ओ जन से सच्चे आशिक होवे ना मारे से मरते हैं ओ विपत मुसीबत रहम तिवाई सहम खाम खा भरते हैं इन आशिकों के दिल से पूछो ये सदमे कौन गुजरते इन आशिकों के दिल से पूछो सदमे कौन गुजरते हैं देख मैं सच्ची माँ शूक तेरी मैं सच्ची माँ शूक तेरी बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद शाबाश हेलो रस्ते में डोला गया तो हो गए सोन खराब हो गए सोन खराब एकदम एक शर्फ काट गया रही लोग रस्ते में चूहे लोठे वर सामने रोई थी बिलाई गहने बली थी कोतरी गुण दे
डोला डांट दिया तो रानी किरण मई बतलाई। सब आप शगुन हो रहे थे, भगवान देता है जंगल में। सुनिए मैं क्या करूं, पहली पहली बार आई हूं, मैं इनके साथ बात करूं तो भी क्यों करूं। तुम मेरे में का बोल, मेरे तो बोलने का ढेट भी नहीं पड़ता है। तुम मेरे में का बोलने में थोता पड़ा हूं, लेकिन इस समय यही उचित है कि इनके साथ बात करनी चाहिए, पूछना चाहिए क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या विपता है। पतिदेव को मैं प्रणाम करती हूँ। जय प्रणाम रानी, जय प्रणाम। साथ साथ में आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहो निसंकोच, कहो जो दिल की बात है कहो। कि आपने श्रीमाजा चलते चलते अचानक बियाबान के अंदर घोड़ों को क्यों रोक दिया, क्या रानी मेरी जिंदगी की पहली खुशी है। और आज जब तुझे लेकर के चला था, जब से लेकर के अब तक आप शकुन पे अब शकुन हो रहे। नहीं नहीं, शायद मेरे माता पिता ने कुछ लेन देन में कमी कर दी, या फिर मेरी सखी से हेलेनो आपको कुछ कह दिया। नहीं तो पतिदेव, जाने में अनजाने में या फिर मुझसे कोई गलती हो गई, फिर आपने घोड़ों को क्यों रोक दिया। नहीं छत्रानी, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, तुम्हारे माँ बाप से भी कोई गलती नहीं, मेरे भाग्य की गलती है। शायद मेरे साथ में कोई बहुत बुरा बहुत बड़ा काम होने वाला है। अब शगुन पे अब शगुन हो रहे हैं देवी। आप तो छत्री हो, छत्री वीर होते हैं, वो कभी सोन और अपशकुन को नहीं मानते। नहीं मानते, सत्य कहती हो, जब नहीं मानते, जब सरहद पर कोई शत्रु हमें ललकारता हो या इज्जत और नाक की बात हो तो हम नहीं मानते, लेकिन दिल तो हमारे भी है। ब्याह शादी दसोटन ये अच्छे जो कर्म होते हैं उनमें तो हम भी सोन अपशकुन मानते हैं। तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपने घोड़ों को क्यों रोका है। देवी पूछो, पूछिए क्या कहना चाहती है। सुनिए मेरी बात को, पियाजी कहो ओ तन्ने घोड़ा क्यों रोक दिया। खराब से मेरे आई कोन्या ध्यान में समीर का दोनों जगह देख, दोनों जगह आदर कोन्या इस पिया बिना वीर का, दोनों जगह आदर कोन्या पिया पिया वीर का। शरीर का शनि पीस पिया, शरीर का शनि पी पिया इस उम्र जवान।
सोनिया ज्ञान में और खोना तू रोक दिया ओ पिया पिया बाल में बात के राम से जो आई तो न ज्ञान में कृष्ण खलीफा साहब हमारे कृष्ण भाई साहब चौधरी साहब 200 रुपए से सम्मान करते धन्यवाद दिनोद से श्री रामपाल जी वे बिल्लू जी बेदू जी वो भी 200 रुपए से हमारा सम्मान करते जी ने भी हमारा सम्मान किया सभी का सभी बार बार दिल से धन्यवाद नंबर दो में क्या कह दिया पतिदेव शाबाश पीहर गीहर कमा मस्त रही रत कोरी नारी पाट के तेरा प्रेम खाता मेरे काले जिनी ललित पंडित जी महाराज वो भी 200 रुपए से सम्मान करते हैं बहुत बहुत धन्यवाद क्या कह दिया नंबर दो तीन में गुरुजी ने पियाजी कहो मेरे समझ में नहीं आई है कि आप ये जो बात कर रहे हो ये ऐसा क्यों हुआ है एक छतरी भी होते हुए ऐसा बोलना ऐसी बात होती है मेरे सारे दुख दूर हो गए कैसे जब तू मीठी मीठी बोल रहा है अच्छा मेरे सारे कष्ट दूर हो गए क्या कहना चाहते हो क्या कहा गुरु जी ने क्या कह दिया और आवे सुबाद करी तेरी मीठी मीठी बात में मारे चाहे छोटे पिया जाने तेरे ध्यान में थोड़ा रो गया हो पिया पिया
जी, क्या हो तुम? आप मेरे लिए क्या हो? आप क्या हो मेरे लिए बताइए और मैं बताऊंगी। मेरे लिए रघोरी। हाँ हाँ चंतर लाल मने आस तेरे नाम की, गुरु चंतर लाल मने आस तेरे नाम की। भारी करी प्रीत ने भाया जिंदगी तमाम की, कहते हो भरतार सारी बात मेरे शिया। ओ, 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 राम की तू रानी सिया, कड़ी लंका के मैदान में बात के खराब से आई कौन ध्यान में, घोड़ा चुरो पिया 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 बान में बात के खराब से आई कौन ध्यान में। देखो बात करते करते वही मेरा महल आ चुका है। पतिदेव, हाँ एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ पूछो ना। आपका महल बहुत सुंदर है। हाँ। अति सुंदर है, लेकिन इस महल में एक दिखाई नहीं देता कुछ। रानी, आपके और मेरे सिवा कोई तीसरा भी नहीं दिखाई देता, क्या कारण है? मैं भी दिखाई नहीं दूंगा। ये क्या कह रहे हो आप? अगर ऐसी बात कहोगे तो फिर मेरा क्या होगा पतिदेव? रानी, मेरे कहने का मतलब नहीं समझी? नहीं जी। तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा है, प्राधीन सपना सुख नाही, कर विचार देखो मन माही। मैं नौकर हूँ बादशाह का जी। मुझे अपनी नौकरी पर जाना है, ड्यूटी पर जाना है। धनपत सनोब श्री हरफूल साहब, हरफूल साहब 500 रुपए गो माता के निमित्त और 100 रुपए अपनी पार्टी के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। क्या, क्या है भाई, क्या है, क्या हो रहा है? क्यों ध्यान दे रहे, किसका बोल रहे हो? रानी, पतिदेव मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना है। अच्छा सुन के भाई, सुन के, आप अपनी ड्यूटी पे जाना चाहोगे? काम है पतिदेव। हाँ इससे अच्छी मैं मेरे पिहर में थी, कम से कम मेरी माँ के पास रहा करती, और आप मुझे छोड़कर जाओगी तो मैं किसके सहारे मेरा मन लगेगा, किसके सहारे यहाँ रहूंगी? और आप जाओगी और कितने दिन में वापस आ जाओगे, क्या मैं पूछ सकती हूँ? 6 महीने में। हाय मेरी माँ, 6 महीने? 6 महीने तो बहुत होते हैं जी। देवी, हाँ 6 महीने में छुट्टी मिलती है 2 मास की। अच्छा हाँ। हाय मेरी माँ। रानी साहब, ये 6 महीने में आवे तो आवे, नहीं ना भी आवे। क्यों? गया उड़ के कोई आया है अभी तक? अजी नहीं है, नौकरी पे जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं। अच्छा जी। नहीं जी ऐसा नहीं होगा। छत्रानी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। हमेशा जिस तरह से 32 दांतों के बीच में जिभा होती है, मैं दुश्मनों के बीच में रहता हूँ और तुम्हें हंस करके मुझे विदा करना चाहिए। अजी आज आज डांट दो ना इसने, खलीफा जी तू ही डांट दे, तेरे कहना मान जाएगा बेरा ना। आज आज रुक जाओ जी। नहीं जाओगी? स्वास्थ्य सुकई। आहा तो क्या पतिदेव, आपके बगैर मैं 6 दिन भी नहीं रुक सकती। महाराज, 6 महीने में तो दूसरी फसल भी तैयार हो जाए। बता 6 महीने बाद में आगे और मैं क्या करूंगी? रोज 6 महीने में आ जाना, गोरियों सियार हो करना। पिया आज आज
डट जाले मान मेरा कहना चौधरी, हमें आशीर्वाद स्वरूप 1100 रुपए से हमारी पार्टी का सम्मान करती हैं। मैडम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार दिल की गहराइयों से धन्यवाद धन्यवाद। हमारे सरपंच साहब, सरपंच साहब तो रोज ही देते हैं जी, 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं अपने बच्चों को, बहुत बहुत धन्यवाद। और साहब भी 100 रुपए से हमारा आशीर्वाद देते हैं, हमारे भाई भी रोजाना हमारा बहुत सम्मान करते हैं, 200 रुपए और देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सुरेश जी है ना तेरा भाई, ये भी हमें 100 रुपए से सम्मान करते हैं। भाई सरमाना की है आशीर्वाद तो देना चाहिए, बेबे ने दिया है और उठी जब जब जुल पे तेरी, उठे जब जब जुल से तेरी, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले, जिद मेरी बात है, पीछे न है तो आंख माख तो मिला ले, आंख में कोनी मिलाओ, तेरे नीचे नीचे देखा है।
क्यों रहूं एकली महल में, कित छोड़ चले मेरे राजा। क्यों रहूं एकली महल में, छोड़ चले मेरे राजा। ओ रजसी पोड़िया आज रगोरी रे दादा, जब शिवड़िया आचार हो जबर कुटम का लेना लुबलिया आज जगते जा मान मेरा कहना हिले में आ जाना रे गोरी होशियार कहना लुबलिया आज जगते जा ले मान मेरा कहना ओ दीवानी दीवानी बता दूं, कह दो लिए मजा प्रेम रास्ता लिए मजा लिए मजा प्रेम का रस का लिए मजा प्रेम का रस का बिन दवा मिटाना तो सुकार बिन दवा मिटाना दस का दिन राती आए मेरे राजा आए रे कैसे राजा भी छोड़ी का से ये महाराज ये क्या चाहती है। हाँ दिन रात लगा रहा बस का पिया दिन रात लगा रहा बस का यार बस नहीं आपस नहीं घर बार प्यार चढ़ रहे नहीं आपस का पिया कामी आए मुछाड़े ताऊ ये नौजवानी है ना ये जोबन है ना ये ऐसे नहीं रुकता है कैसे पिया काम नहीं मेरे पास काम पिया काम नहीं मेरे बस का नौजवानी में दुख सहना करेगा। मैं तो दे डूंगे पे डूंगे दे रही हूं और फिर मेरा टूटेगा फिर तेरा बनेगा। ओ सैया ले गई जिया तेरी पहली नजर सैया ले गई जिया साजन कहिया गोरी मुक्ता साजन कहिया
बुरदस्त ते फेणा मुपिया आज आज डट जा ले मान मेरा हो के आज आज डट जा ले मान मेरा रानी मुझे जाना होगा बहुत जरूरी है बहुत जरूरी जाना देखिए आप जा तो रहे हो हाँ। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ हाँ। आप जाओगे मैं पतिव्रता स्त्री हूँ पतिव्रता स्त्री का धर्म होता है हाँ। अपने पति की सेवा करना रक्षा करना उनके दर्शन करके भोजन करना हाँ। अगर आप चले जाओगे तो मैं आपके दर्शन करे बगैर भोजन कैसे करूँगी रानी मुझे तो कुछ आपकी सैनाने निशाने देकर जाइए लो ये मेरा फेंटा लो ये मेरा कटार लो ये जय सिंह जी 300 रुपए पहले हमें सम्मान करते हैं इनका तय दिल से धन्यवाद है और 20 रुपए से हमें और सम्मान करते हैं बहुत बहुत इनका तय दिल से बार बार धन्यवाद ये मेरा फेंटा और ये मेरा कटार लो और ये मेरा अंगूठा ना शाबाश अजी कोई बात नहीं ओम प्रकाश जी जहाजगढ़ से राजगढ़ से ओम प्रकाश जी 500 रुपए गौ माता के निमित्त और 100 रुपए हमारी पार्टी के निमित्त प्रदान करते हैं साहब को बहुत 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 धन्यवाद श्रीनगर भाई रोड़ा मत किया करो हाँ जी 1100 रुपए रणधीर जी बिलावल हमारे मान हिंदू से कृष्ण खलीफा साहब 100 रुपए और हमें इनाम बतौर देते धन्यवाद सोमवीर खटक साहब बिलावल से 200 रुपए स्तेंद्र जी बिलावल 500 रुपए जी गौशाला के लिए ललित पंडित जी डाणी जंगा 200 रुपए जी गौ माता के लिए राजेंद्र गुजर डाणी गुजरान 500 गौ माता के लिए 100 पार्टी के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं निवेदन करूंगा एक सरपंच फूल कुमार जी से कि कृपया मंच पर आए मुकेश जी जाखड़ साहब जगराम जी यादव जी डाणी से 500 रुपए गौ माता के लिए देते हैं जी आओ सरपंच साहब पधारो मुकेश जी जाखड़ साहब दादा मुकेश बापोड़ा रमेश आजा भाई तो मैं निवेदन करूंगा मुकेश जी से जाखड़ साहब से फूल कुमार जी सरपंच साहब से कि वो माननीय बाबू दान सिंह को सम्मानित करें कार्यक्रम चलता रहेगा चिंता ना करो एक लंबा पूरा चलेगा कार्यक्रम पूरा मजा ले लियो कार्यक्रम का हाँ जी मुकेश जी अब उससे पूर्व मैं महाराज बूंदीनाथ जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो इन बच्चों को आशीर्वाद दे जी महाराज बूंदीनाथ जी से मैं निवेदन करूंगा कि बच्चों को आशीर्वाद दें चापी लो भाई चापी लो महाराज बूंदीनाथ जी 1100 रुपए इस कमेटी की तरफ से बाबू दान सिंह को इनाम स्वरूप दे के सम्मानित कर रहे हैं जी ग्यारह सौ रुपए से जो इस बेड़े के बहुत ही अच्छे कलाकार हैं बड़े विद्वान भी हैं राजेश जी अजी जो हो महाराज जी के कर कमलों से जी कलाकार भी और विदित भी है मेरे भाई जो एनके स्टूडियो जिन्होंने बड़ी मेहनत की है नरेश जी एनके स्टूडियो भिवानी मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से कि उनको भी 1100 रुपए सम्मान के करे जो मेहनत मैंने भी बहुत करी है हाँ अब मैं निवेदन करूंगा हमारी ये जो टीम है फूल कुमार जी आकर सरपंच साहब और जाखड़ साहब मुकेश जी से रमेश जी से कृष्ण जी से तो महाराज जी के साथ हाँ बाबू दान सिंह हाँ कर देंगे ना वो आओ जी ये कितने थे निशानी है और मैं अपनी ड्यूटी में चलता हूँ ठीक है पतिदेव ठीक है शाबाश शाबाश मन ही मन में सोच गया देर जरा सी ना करी तो दरबारिया में पहुंच गया बादशाह सलामत आ कहिए बहादुर पृथ्वी सिंह आ गए आप मैं अपनी ड्यूटी पर पहुंच चुका हूं ड्यूटी पाए लेकिन दादा एक दादा रोज लेट आप दादा दादा थोड़ी देर बैठ जाओ बस बादशाह सलामत हाँ आप आ गए लेकिन एक रोज लेट आप आप जैसी मुझे आज्ञा देंगे जो भी दंड देंगे मैं स्वीकार है मेरे मेहरबानों रहते रहते बहादुर पृथ्वी सिंह को 6 मास हो जाते हैं दरबार में रहते हुए और 3 रोज बाकी हैं आज सपने में
रानी का बुरा हाल दिखाई देता है। सुबह प्रातः होते ही अब दरबार में हाजिर हो जाता है और जाकर बादशाह सलामत को सलाम। आइए बहादुर पृथ्वी सिंह, क्या बात, आप आए थे जब आपका चेहरा बड़ा खुश था, आज जब आप आ रहे बड़ा चेहरा उदास है, क्या कारण है? महाराज, हाँ, आज मेरी रानी सपन में दिखाई दी जिसका बहुत बुरा हाल था। रानी का बहुत बुरा हाल, मैं छुट्टी जाना चाहता हूँ। छुट्टी जाना चाहते हैं? पहले आपका रोज नाम था चेक करना पड़ेगा, आप कितने दिन रोज हो गए आए हुए आपको? शेरखान, हाँ शेरखान, हाँ बादशाह सलामत को सलाम वालेकुम। बहादुर पृथ्वी सिंह छुट्टी जाना चाहते हैं, इनका रोज नाम था चेक किया जाए कितने रोज हो गए। अभी इनका रोज नाम था देखता हूँ। हाँ चेक करो। हाँ, रामपतिया, घीसिया, फूसिया, हाजिर, हाजिर बोलिया करो, हाजिर हाजिर। हाँ भाई बिलासपुर हाजिर हाजिर हो। अच्छा जी, अच्छा गंडा सिंह हाजिर है, हाजिर। ओहो, ये तो हीरो का रोज नाम से है। गलासी भी हाजिर है। राजपूतों का काटना पड़ेगा, बहुत अच्छे। लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह हाजिर। किक्कर सिंह हाजिर, किक्कर सिंह। बटेर सिंह हाजिर, हाजिर। पहाड़ सिंह हाजिर। राम प्यारी सिंह, ओहो देखो बादशाह सलामत, राम प्यारे सिंह है। तोबा तोबा, हलविला कुमार, देखो इन मुसलमानों के वैसे हिंदुओं के अंदर क्या नाम पाते हैं। तोबा, इनके नाम में भी बरकत नहीं। पृथ्वी सिंह का रोज नाम चेक करो। एक मिनट रुको जी, ये नाम तो है जनाना, हाँ राम प्यारी, उसके भी सिंह का छोड़ दिया। तोबा तोबा, धरती लचकन गच गडगन सिंह, ओहो बहुत लंबा नाम है भाई, ये भी कोई नाम है बताओ। धरती लचकन गड गचकन सिंह, जिनके नाम से धरती लरच जाए, गढ़ धरती में गचक जाए, उनका नाम होता है धरती लचकन गड गचकन सिंह। इतना बड़ा नाम, धरती लचकन सिंह गच गडगन सिंह, इतना ही बड़ा काम भी होता है उनका। वाह वाह। और बाद में है पृथ्वी सिंह, हाँ किधर हो चुका है बादशाह सलामत, इनको आए हुए 5 महीने और 27 रोज हो चुके हैं, तो 3 रोज बाकी हैं। इनके जाने में 3 रोज बकाया है, अगली छुट्टियों में काट ली जाए। बादशाह सलामत, हाँ ये जब भी जाते हैं ऐसे ही कहता है कि मेरे पिछले दिन अगली छुट्टियों में काट लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और भाई ऐसा क्या फताने वाली है 3 रोज में? मेरे घर पे पतिव्रता स्त्री है, आज मुझे स्वप्न में दिखाई दी है, मुझे जाना उसकी घर पे पतिव्रता है। पतिव्रता, हाँ। तोबा तोबा, ला हौल विला कुबत, अरे क्या कोई धरती पे जलजला आने वाला है, आसमान गिरने वाला है, या कोई तरेड़ आने वाली है और तरेड़ में हम फंसने वाले हैं? अरे इसकी घरवाली पतिव्रता है, सपने में दिखाई दी, उसका बुरा हाल है। हिंदुओं में पतिव्रता होती है, एक नहीं हजारों, हर ढानी हर गांव में सखियों के मंड बने हुए हैं। हिंदुओं में कौन कौन पतिव्रता हुई है? तारा, कुंती, अहिल्या, मंदोदरी, अड़िबड़ा, नर्मदा, अनसुईया, पता नहीं कितनी, सत्याकूति, देहूति। बताओ बादशाह सलामत, ये आहुति, देहूति, कुति, पिल्ले, ये कुंती अहिल्या बोला है मैंने, कुछ पिल्ला नहीं। अच्छा एक बात बताइए, बोलो आप कहाँ पर भी आए हो? लगभग मेरे शहर से 700 मील दूर। तोबा तोबा, फिर भी वो सत बकाया रह गया। क्यों, क्या हुआ? बादशाह सलामत, हाँ? जो इनकी छत्रानी है, हाँ? वो बुग्गी में भी बैठी होगी, हाँ? बैठी होगी। वो टमटम में भी बैठी होगी, बैठी होगी। रगडम रगडा घसम घसा, रगडम रगडा घसम घसा, बताओ सत कहाँ रह गया? शेरखान, बात तो भाई, अपने से बड़ों को अपना पिता माने, अपने से बड़ों को अपना पिता माने, अपने से बराबर को अपना भाई माने, अपने से छोटों को अपना पुत्र माने, एक मर्द की दासी उसी को अपना परमेश्वर समझ करके जिंदगी व्यतीत करे, पतिव्रता होती है। भाई साहब, पतिव्रता हमारे हुई, इसकी पतिव्रता तुम्हारे है? पतिव्रता तुम्हारे है? बिल्कुल है। कैसे? पहले तो हुई अहूरन, अच्छा जहूरन, हाँ शकूरन, अच्छा गफूरन, हाँ और बाद में झूरन, अच्छा उसके बाद में सबसे बड़ी पतिव्रता हुई, हाँ बीबी फातिमा, हाँ जिसने दुनिया का कर दिया खात्मा। अरे वो भी कोई पतिव्रता होती है, तुम कहाँ ब्याहे हो भैया? हमारी क्या बूझते हो? फिर भी ये तो हमारा घर, अच्छा सामने मेरी ससुराल है। वो कौन? हम छोटी सी को देखने लगे, अच्छा भाई लिकड़ती को भी देखा, बढ़ती को भी देखा, हाँ छोटी सी को देखा, हाँ बड़ी हुई जीभ हमने कर ली। क्या कर ली? निकाह कर ली। कौन है वो? वो हमारे चाचा की लड़की है। बादशाह सलामत, हाँ मुझे छुट्टी जाना है। बहादुर, पतिव्रता स्त्री मेरे घर पर है, इसकी घरवाली पतिव्रता है। बादशाह सलामत, ये जिसको पतिव्रता कहता है, हाँ
मैंने उसका सब तोड़ रखा है। शेर खान, मैं तेरे खून को पी जाऊंगा, मैं तेरे मूत को पी जाऊंगा। बहादुर शेर खान, क्या मान रहा है तू? इसने ऐसा कहा है, पता नहीं दुनिया में इस दरबार में बैठे हुए लोग ये भी सोचते होंगे कुछ न कुछ बात अवश्य होगी। बिल्कुल, इस बात को छोटा ना किया जाए, इस पे शर्त लिखी जाए, अगर शेर खान ये साबित कर देता है कि मेरी रानी का सब तोड़ रखा है तो मुझे फांसी दे दी जाए, अगर ये साबित नहीं करता है तो इसको फांसी दे दी जाए। शेर खान लिखो, दरबार की मर्यादा के अनुकूल अगर आपने इस प्रकार का आरोप लगाया है तो आपने बिल्कुल लिख करके देना होगा, इसकी रानी रानी का सत्ता आपने डिगा रखा है। एक मिनट रुको, तो इसको फांसी होगी। लिखो, अगर नहीं डिगाया गया तो मिस्टर फांसी आपको होगी। अगर 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 शेर खान ने सोमवती छत्रानी का सत तोड़ रखा है, तोड़ दिया तो पृथ्वी सिंह को फांसी और माल मस्जिद में और तनख्वाह के पैसे मेरी पॉकेट में और नहीं सत नहीं तोड़ा तो शेर अल पहले तारीख लिख लेता हूँ। हाँ, आज मोर खा कल तीतर खा, परसू कबूतर खा, बाहर नहीं तो कितना कितना भीतर खा। लिखो, अबे लिखो, अगर सत नहीं तोड़ा, ये शर्तनामा लिखा जा रहा है। अलबत्ता सत नहीं टूटा तो शेर खान को फांसी। क्या 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 मुझे फांसी? क्योंकि खुदा है तो खुदा कोई, अरे खुदा नहीं तो खुदा का बंदा हूँ यार, बंदों को ही फांसी टूटती है। अच्छा हाँ, तो मुझे शेर खान को फांसी। एड्रेस लिख देता हूँ, पुरानी दिल्ली गोल बाजार नई मार्केट बाथरूम नंबर 12 लेटरिंग नंबर 14 गली नंबर 320 जीपी रोड। बहुत बढ़िया, अच्छा एड्रेस तेरा। शेर खान जाओ, छुट्टी देने जाने का भक्त तुम्हारा है, जाइए। हम चाहते हैं जाएगा। कितने रोज की छुट्टी? लोगों छुट्टी चल देता है बादशाह सलामत 3 रोज की। ठीक है, शाबाश सर से। ओहो हेलो प्रेमियों सजनों, उस शेर खान के सर से टोपी उतरी, हवा लगी, दिमाग में ठंडक आई, सोचने लगा क्या यार तूने तो उस छत्रानी की शकल को भी नहीं देखा और आपने तो जानमाल की बाजी लगा दी, तो क्यों नहीं दूतियों के मोहल्ले में चलना चाहिए। हाँ चाची चाची रंडी, अरे बकवास करता है, चाची हसना का वो हसना। हाँ चाची हसना, बोलो कैसे आए हो बेटा? मेरे केसों का है सुदा पजामे फसना। ओहो क्या बात है, ऐसे रोते क्यों हो, क्या बात है? चाची नहीं रोये नहीं, अल्लाह बस रोये नहीं, ये अल्लाह। सुनिए उस्ताद लोगों, बहुत जल्दी हो रही है, क्या बात हुई बोलो? ये अल्लाह मैं कैसे करूं सबर, क्या बात हुई? मेरी खुदने वाली है कब्र। कोई बात नहीं, अरे चाची हाँ, तेरे छोटे छोटे बेटे तेरे मोटे मोटे पोते चाची सब मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम्हारे ईद का चांद छिप जाएगा, चाची मोहल्ला रांड हो जाएगा मेरी चाची। शेर खान कोई बात भी हुई है, कुछ बात भी हुई है, बात बताओ चाची। बोलिए, तू जानती है दरबारों में हाँ, वो पृथ्वी सिंह नाम का राजपूत है, वो मेरे साथ में उलझ गया। अच्छा, अरे चाची हाँ, उस्तादो चाची बोलो, तुम जानती हो मैं भी बड़ा कुत्ता आदमी हूँ, अखाड़े का बिगड़ा उड़ हूँ, पहले से ही है। हाँ, मेरे पेशाब में भी गंठा पैदा होता है। हाँ, वो फालतू बोलने लगा। अच्छा, कहा कि मेरी छत्राणी पतिव्रता है, मेरे से ये बात सहन नहीं हुई चाची, मैंने कह दिया हाँ, कि मैंने उसका सत तोड़ रखा। ओहो तूने सत तोड़ रखा, अरे चाची सत तोड़ना सिखा दे। शेर खान मैं आपको एक बात बताऊं, उनका नाम लेने से क्या होता है, बोलो सुनिए मारी बात। क्या बात है उस्ताद जो? हाँ
यो कर खामो से हो सकर दिल में खामो से सुनिया करे ये यो डूबेगा बिन पानी नाम लेन ते यो धरती लरजे वरज पुता गिरा कर खामोश हो सकरे क्या कहा आपने? कहा है कर खामोश होश कर दिल में डूबेगा बिन पानी नाम लेते धरती लरजे रजपूता की रानी। और पहली बात मैं क्या बता दिया? क्या बात है उस्ताद जो? जय हो। और नंबर तीन में दादा
के बता दिया तीसरी बात में, क्या बात है उस्ताजो, जय हो थारी बने रहो। से मैं टूले खोटी पके नशे ये पूरा कहते सत्य ये छतरा पण की हाथी ना अंकुश की जो रज पुता रे अपसान पाट जाओ तो बात रहे ना बस की अनु जगा काट तेरे दो छोड़ दिया। बाबू दान सिंह चौहान और उनकी पार्टी की तरफ से जी 1100 रुपए का उछाड़ा के लिए, और हमारे पहले संघ सरकार की तरफ से एक संघ इन्होंने आज का गौ माता के निमित्त फ्री दिया है जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे गोपी से कुछ साथी आए हैं, दिलबाग जी, हुशियार जी। हाँ जी, अपने महल के बाहर खड़ा होकर अपनी जन्मभूमि को प्रणाम करता है। सुनिए शबास खा साहब, जन्म भूमि राम राम फिर आऊंगा अब जासू, जो जन्म भूमि के दाग लगा दे मुन मरदाम नासू, सर कट जा पर धर्म ना छोड़ू मैं कसम मातरी खासू, लोग गढ़ बूंदी के देख किले ने आगे छतरी हे भगवान, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आज मेरे पति आ गए हैं, उनका आर्त उतारना चाहिए, उसे आदर सहित अंदर लाना चाहिए। पतिदेव, yeah।
के था पर आ गई बोलिए थाली आरत के कारण डोडी ऊपर आ गई। पतिदेव प्राणनाथ आइए, आप पीठ फेड़ कर क्यों खड़े हो गए हो? मैं आपका आरता उतारने के लिए आई हूँ। मैं 6 महीने से आपका इंतजार कर रही थी, कब मेरे पति आएंगे, मैं उनका चेहरा देखूंगी, शांत देखूंगी, आरता उतारूंगी। आइए परेशान देखना। क्या बात कर रहे हो आप? नहीं ना चाहता यार का बदमाश यार ता कर ले र कर ले साल देखना ये ना चाहता बदमाश परे ने मर ले खान ले यार का बदमाश यार ता कर ले कीड़ी का खेल कड़े दुनिया सारी जाने गज गायकी का खेल कड़े दुनिया सारी जाने ठीक है रोगी का बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने रोगी के बराबर तेल कड़े दुनिया सारी जाने पक्ष बराबर बेल कड़े दुनिया सारी जाने भरतरी करता
रमई नहीं पति दे किरण गया शमुन बरगी पति बरता किरण मही मैं जान गया तू उन बरगी पति बरता अजी हो बता मेरे जिशा अमृत छोड़ धरा विष धरी ले शेर खाल तेरे यार का रे बदमाश हारता कर ले कर ले शाबाश रानी तेरे जैसी बीरा पे फे जगत खाम खा एरा अच्छा ते देखू कोना मैं बुरी दिखाई देश है मैं अच्छा ते दिखे कोना तू बुरी दिखाई देश है मेरे नारकी एक उम्री नारकी कटन आली छुरी दिखाई देश है ओ मेरे नाड़ की कटन आई छुरी दिखाई दे से रहस्य कटन ज्ञान नहीं बेसुरी दिखाई दे से रहस्य कटन ज्ञान नहीं बेसुरी दिखाई दे से सतगुरु के सत्संग बिना बेगुरी दिखाई दे से सत्संग बिना बेगुरी दिखाई दे चंदर लाल चल मकतना रसिंगनी कटड़े बस चलता हूँ देवी मैं जा रहा हूँ मुझे बादशाह के दरबार में जाना है और मुझे फांसी होगी ठीक है पतिदेव अगर मेरा पति हमारे सरपंच साहब कुमार जी 200 रुपए श्रीरागनी पर खुश होकर के देते ही बहुत बहुत धन्यवाद मैं जा रहा हूँ रानी लोगों चला जाता है इधर एक नटों की टोली महल के नीचे से गुजरती है और